इंडिया में ऐसी कोई Z900 नहीं अभी तक जो ट्यून हो रखी है, अगर कोई है तो भाई बता सकते हो। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और भाई आज एक नई वीडियो की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। भाई जस्ट उठा हूँ मैं और आज थोड़ा सा जल्दी उठ गया। इसका भी रीज़न है क्योंकि भाई मेरे को बाइक बिल्कुल चमकानी है, इसको अभी बिल्कुल साफ़ करेंगे। और इसको साफ़ करने के कुछ अपने पास प्रोडक्ट्स हैं वुल्फ डिटेलर्स के, और भाई आज इनसे ही रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब होने जा रही है आज रोहतक। तो भाई वुल्फ डिटेलर्स की एक ब्रांच रोहतक भी ओपन हो रही है, आज उसकी ओपनिंग है और 1 अप्रैल आज तो उसकी स्टार्टिंग ओपनिंग हो जाएगी आज। तो भाई आज इन्हीं के प्रोडक्ट से अपनी बाइक को चमकाएंगे और स्पेशल गेस्ट में अपनी बाइक जा रही वहाँ पे। तो क्योंकि भाई इस पे काम वहीं से हुआ था, गुड़गांव वाली ब्रांच से, तो देखो बनता तो है, तो इसको स्पेशल इनविटेशन इस बाइक को। तो अभी उन्हीं के प्रोडक्ट से इसको साफ़ करेंगे। और भाई परवीन भाई, दक्ष भाई, आप दोनों को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और तीसरे भाई का मेरे को नाम नहीं ध्यान भाई, उस चीज़ के लिए सॉरी, बट आप तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भाई इसको भी चमका देते हैं क्योंकि कई जगह ये देखो ऐसे, मतलब थोड़ा सा धूल मिट्टी है। और बेसिकली ये प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ आपको, पहले वाटरलेस जो हम बाइक को साफ़ कर सकते हैं जैसे ऐसे स्प्रे वगैरह करके, पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे स्प्रे मार के और इसको ऐसे क्लीन कर देंगे तो एकदम चमक जाएगी। प्लस भाई ये है पॉलिश, पहले इसको उठा भाई, इधर ही रख देते हैं इसको। तो भाई ये है पॉलिश टायर्स वगैरह के ऊपर, मेकर कार इंटीरियर लुक। भाई ये है, वैसे है तो प्लास्टिक वाले पार्ट के लिए, लेकिन अपन टायर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। मैं तो करूँगा, और होगा पता नहीं भाई। वैसे इस जो ये प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं जो वाइट हो जाते हैं उसके लिए, जैसे हल्का सा वाइट यहाँ से हो रखा है तो इसको लगाएंगे तो बिल्कुल सही ओके हो जाएगा। तो भाई करते हैं शुरुआत इस वीडियो की भी और बाइक को एकदम चमका देते हैं। तो भाई ये बताओ बाइक लग कैसी रही है? बाइक हो चुकी बिल्कुल रेडी और अभी मैं भी जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। भाई शाइन चेक करो यार, कितनी ही मस्त लग रही है। और अभी तक तो मैंने प्लास्टिक पे ये वाली क्रीम यूज़ ही नहीं किया, इसको थोड़ी देर बाद यूज़ करूँगा, तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ। तब तक जो इस पर स्प्रे किया वो थोड़ा सा अच्छे से साफ तो कर दिया, सूख जाएगा, शाइन और भी ज़्यादा अच्छी आएगी, उसके बाद इसको करूँगा। वैसे देखो इस पर मैंने सिर्फ स्प्रे यूज़ किया था, उसी में इतनी मस्त हो गई है, तो इस पर वैसे प्रॉपर तरीके से पॉलिश यूज़ करूँगा तो और भी अच्छी हो जाएगी। तो भाई बताओ आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, और मैं अभी फटाक से रेडी हो गया हूँ। बाकी यार आज मैं पहनने वाला हूँ कुर्ता पजामा, और इस बाइक के ऊपर कुर्ता पजामा इतना ज़्यादा सूट करेगा या नहीं करेगा वो बाद की बात है, देखते हैं, लेकिन पहन के तो मैं कुर्ता पजामा ही जाऊँगा। और चलो फिर मिलते हैं आपसे सीधा तैयार होकर। तो भाई अभी आ चुके हैं हम वुल्फ डिटेलर पे, और आ तो भाई हम सुबह ही चुके थे बट टाइम शाम का हो चुका है, देखो 6 बजने वाले हैं। तो भाई सुबह आते हवन हो रहा था तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं की। तो भाई सुबह से काफ़ी ज़्यादा काम चला हुआ था तो उसी में सभी बिजी थे, तो शूट वगैरह मैंने कुछ किया नहीं, तो बिहाइंड द सीन्स वगैरह कुछ मैंने लिए। और इंटीरियर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं मिलवाऊँगा किन से जो यहाँ के ऑनर हैं। और भाई फिलहाल इसको छोड़ दो, अभी आज सफाई वगैरह मतलब सब ऐसे ही फूल वगैरह बिखरे पड़े हैं। तो भाई ये मेन वॉल है यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए, यहाँ पे आके गाड़ी खड़ी हो जाएगी और पीछे जो वुल्फ डिटेलर की जो बैजिंग है उसके साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक हो जाएगी। और भाई ये अपनी एक स्पेशल वॉल क्रिएट की जा रही है जिसमें जो भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह यहाँ पर आए हैं उनके साथ, जैसे इनको आप जानते हो, कमेंट सेक्शन में नाम बताओ इनका, और इनको कौन कौन आइडेंटिफाई कर सकता है इनको भी बताओ। और भाई इसको तो सब जानते ही होंगे, केडी इनके साथ, केडी देसी रॉक्स। तो भाई
उन दोनों के नाम कमेंट सेक्शन में बताओ, कौन कौन जानता उन दोनों को। तो देखते हैं आप कितना। और भाई इधर खड़ी अपनी प्यारी सी किस्मत, और कितनी प्यारी लग रही है। इसके सिनेमेटिक्स आपने देख ही लिए होंगे, और वहाँ पे खड़ी करके अपने सिनेमेटिक्स लिए थे। और भाई जैसे यहाँ पे एंट्री यहाँ से है, और ये उधर ऑफिस हो गया, और इधर भाई पीपीएफ वगैरह का सेपरेट स्पेस है। तो ये दक्ष भाई की वर्टस खड़ी है, और इंडिया की फर्स्ट ट्यून्ड है ये GT वर्टस। और भाई इसके बाद ये किसने स्टार्ट कर दिया। तो भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है अपने को, और इस पर सही बताऊँ ना इतना ज़्यादा दिल आया हुआ है, पागल कर दिया इस गाड़ी ने मेरे को सोचने के लिए कि मतलब बस क्या ही बोलूँ, छोड़ो कोई बाकी हिंट मैंने आपको दे ही दिया है। और भाई अपने काम का जो एरिया रहने वाला है वो है इधर, इधर होने वाली है हाइड्रो डिपिंग वगैरह की मशीन वगैरह इंस्टॉल। तो अब एक हिंट और दे दिया अपनी किस्मत के साथ, कुछ हम नया करने वाले हैं। इसको मैं हाइड्रो डिप करवाने वाला हूँ कार्बन फाइबर में, काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और मैं थोड़ा बहुत दिखा भी दूँ, जैसे फ्रंट का ये डिपिंग हो जाएगी, जो भी हार्ड प्लास्टिक है ये सारी डिपिंग हो जाएगी। तो इसकी एक प्रॉपर सीरीज़ आएगी, सर्विस वगैरह सब कुछ होनी इसकी सर्विस हो जाएगी उसमें। और भाई कंप्लीट बाइक के व्हील भी आई थिंक अगर डिप पॉसिबल है तो इनको भी मैं कार्बन फाइबर में डिप करवा दूँगा। और भाई यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, रैप की है, और भाई PPF वगैरह की है। तो अलग अलग कलर्स के रैप रखे हुए इधर, आप अपनी गाड़ी को रैप करवा सकते हैं, अलग अलग कलर्स के रैप है। और दक्ष भाई की गाड़ी पे भी ये मिलिट्री ग्रीन बोलते हैं इसको शायद, बाकी लगता बस कलर देख के मैं गैस कर रहा हूँ, तो उस पर यही वाला रैप हो रखा है। तो भाई वैसे ये सैटन ग्रे है, और देख सकते हो कितनी प्यारी गाड़ी लग रही है। मैं आगे से दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई कितनी मस्त लग रही है। भाई आजकल ना बाइकों से हट कर रुझान गाड़ियों पे जा रहा है, क्योंकि हमने कल उसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखी है हाइलक्स की। भाई साहब क्या चलती है यार, वो गाड़ी मॉन्स्टर है, इतनी अल्टीमेट गाड़ी है। कल मतलब शाम के टाइम मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली, भाई साहब इतनी रोड प्रेजेंस, इतनी प्यारी, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी है, तारीफ करते करते थक जाओगे, लेकिन पूरी नहीं हो पाएंगी। चलो आपको उसको अंदर से दिखा देता हूँ, वैसे दिखती कैसी है। और वैसे भाई साइज चेक करो गाड़ी का, फॉर्च्यूनर से तो बहुत बड़ी है भाई, यहाँ से शुरू होगी तो फॉर्च्यूनर इसके यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक। तो ये देखो कितनी बड़ी है, मॉन्स्टर है भाई मॉन्स्टर। चलो एक बार आपको अंदर से दिखा देता हूँ। तो भाई कल प्रॉपर इसकी टेस्ट ड्राइव हमने ली थी शाम के टाइम पे, यहीं पे थी। तो बिल्कुल अंदर फॉर्च्यूनर जैसी है भाई, अंदर से बिल्कुल भाई एज इट इज़ कैबिन है, 90% तो वैसा ही दिखता भी मेरे को तो। और ये बेस मॉडल है, और बेस मॉडल में ये देखो कई चीज़ आती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, मतलब अंदर से कोई चेंज नहीं करवा रखा, सही है यार एकदम। और मैनुअल में फ़िलहाल ये वाला मॉडल है, तो सबसे अच्छी चीज़ ही है, क्योंकि मेरे को ऑटोमेटिक बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। एक बार ऑफिस के अंदर चलते हैं, इधर जाके एक बार। तो भाई ये तो हो गया स्टूडियो को एक्सप्लोर करने का पार्ट, और अभी मिलवाते हैं आपको दक्ष, परवीन और कबीर भाई से, जो यहाँ के मेन ओनर्स हैं, तो उनसे पता करते हैं। देखो हाइड्रो डिपिंग रोहतक में नहीं है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताया आपको, तो वो चीज़ें उनसे ही जाके पूछते कि क्या कुछ रोहतक में नया है। तो भाई कैसे हो भाई, दक्ष कैसे हो? बढ़िया भाई। और कबीर भाई साहब? और ये भाई हमारे बड़े भाई कबीर। अच्छा ये बताओ अपने पास क्या चीज नहीं आई है? हमारे पास बताओ, आप बताओगे, आप बता दो। हमारे पास वो चीज आई है जो कि रोहतक में नहीं है, रोहतक में या आस पड़ोस के क्षेत्रों में नहीं है, जो कि बोलते हम करते पर वो नहीं करते, हम खुद लेके आए। क्या लेके आए बताओ ना, क्या है वो चीज? वो मैंने बता दिया, हाँ उससे ज्यादा। हाँ फीचर अनलॉक, ठीक है, और बॉडी किट्स, ठीक है, बॉडी किट में वो नहीं है स्विफ्ट की लाइट बदल दी, वो चीज नहीं। अच्छा मतलब जैसे अपनी वर्टस में लगा हुआ है नीचे के, वो वर्टस को भी हम आर लाइन बनाने लग रहे हैं, मतलब सून इस पे काम चल अभी शुरू कर देंगे, काफी काम जैसे। और बाकी बॉडी किट भी, लिफ्ट किट भी,
ऊंची भी हो जाएगी और नीचे करनी है जैसे भी करनी हो। नीचे करो भाई, वो तो वैसे ही अल्टीमेट लग रही है। 145 की जो मशीन होगी उसमें क्या बेनिफिट रहेगा? हाँ भाई, ये चीज तो और शायद से अगर मैं गलत नहीं हो तो बोनट भी और जान डाल देंगे भाई। क्या कुछ हो सकता है बताओ कैसे? अभी तक इंडिया में किसी ने ना मतलब कोई ट्यूनिंग कोई रीमैपिंग नहीं करवाई भी किसी 900 में, तो कर सकते हैं अभी कर दूं? अभी तो पहले सर्विस करवा लूं भाई उसकी, तो कहीं बाद में पता लगा पार्ट जा कर दे है ना, तो उसका तेल वगैरह चेंज करवा कर फिर करवाएंगे कुछ। और डिपिंग वगैरह का क्या कुछ फायदा क्या कुछ नुकसान है, करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? हाँ ये दिखाई है, हैंडल है। हाँ वो डीपी हो रखी है। अच्छा वैसे और अगर कार्बन फाइबर दिखा रहे तो बाइक की गाड़ी दिखा सकते हो? हाँ, वो मैंने देख रखी है पहले भी, और मेरी ना कई वीडियोज में आए हुए हैं पहले। भाई अपनी बाइक का दिखा देंगे ना लाइव करके दिखा देंगे, तो कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगा? भाई बस ऑर्डर लगा रखे जैसे ही आती है। कई बार जैसे ये बोलते कि उसका जो छिलका सा बन के उतर जाता है, ऐसा भी कुछ होता है? वो दिक्कत ना डिपेंड करता है कि क्वालिटी वाला कैसा है, क्वालिटी कैसी है, और कई पार्ट ऐसे भी होते हैं जिसपे कितनी कोशिश कर ले उसके बाद भी उतर जाती है। मेटल पार्ट है टूट जाएगा, प्लास्टिक पार्ट है उतर जाएगा। तो भाई मैं तो सारा ही प्लास्टिक पे करवाने की सोच रहा हूँ, कोई नहीं दोबारा कर देंगे। बाकी अलॉय है, अलॉय तो देखो मेटल के ही है, पेंट पे असर पड़ेगा कुछ जो अलॉय के ऊपर पेंट है? वो चीज वापस सॉल्व करेंगे, तो बार मतलब बाद में दोबारा पेंट करवाना पड़ेगा लोहे। कोई नहीं यार, वैसे भी ग्रीन ही है, ग्रीन फिर वो कभी पसंद है। वैसे मैं ब्लैक ही करवाने वाला था, पेंट करवा रहा था पहले, लेकिन अब ब्लैक कार्बन फाइबर करवा देंगे भाई, मस्त लगेगी बिल्कुल। तो आप तो क्या लगता है कैसी लगेगी भाई कार्बन फाइबर करवाने के बाद? पूरी पूरी अलॉय भी, अलॉय भी प्लस जो चेसी है उसको मैं ग्रीन रख पाऊंगा, जो बीच बीच की थोड़ी दिखती है, बाकी को सारी जेड ब्लैक कर देते हैं। जो मेरे क्वेश्चन थे वो तो मैंने कर लिए क्लियर, और लंबे टाइम के लिए मतलब कुछ रखना नहीं है, तो अलॉय तो देखो परमानेंट कार्बन फाइबर रहेंगे, उसमें से उतरेगा नहीं क्योंकि मेटल का पार्ट है। प्लास्टिक में अगर होता है तो दोबारा फिर कर लेंगे अपना, तो इधर का ही है, लेकिन हाँ 3-4 साल कुछ नहीं जाता उसका, और वैसे प्लास्टिक का क्या ही पेंट है। तो ये कुछ जो माइनर पार्ट्स हैं हार्ड प्लास्टिक, इनको मैं कार्बन डिप करवाने वाला हूँ, और क्या पता मैं इसको ट्यून करवा लूँ, पावर बढ़ जाएगी भाई, अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब भाई 900 है पावर कम फील होगी, तो इसको भाई रीमैप करवा देंगे और ट्यून करवा देंगे, तो इसकी पावर वैसे ही कम से कम 10-15 bhp तो बढ़ ही जाएगी, टॉर्क भी बढ़ेगा, तो बवाल हो जाएगी भाई। इंडिया में ऐसी कोई Z900 नहीं अभी तक जो ट्यून हो रखी है, अगर कोई है तो भाई बता सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से कोई ऐसी नहीं है जो रीमैप हो रखी है, तो गजब की बन जाएगी भाई। तो अभी दबा के अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है, और एक दो सुपर बाइक्स और हैं उनके साथ भी वीडियो बनाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हाइलक्स के साथ भी कुछ वीडियोस आए ऑफ रोडिंग वगैरह की। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और भाई नेक्स्ट वीडियो अल्टीमेट होने वाली है, और इसकी जो प्रॉपर सीरीज चलने वाली है जो अपनी ये मॉडिफिकेशन सी है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड राइड सेफ, and wear helmets while riding your bike.